दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद है खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे और अपने बच्चे अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डिजिटल ब्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर आने वाली वीडियोज मिले सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज आपका भाई फिर हाजिर है एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डाइट प्लान के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज वेडनेसडे का दिन है और आज हम लोग अपनी फिंचेस को क्या देने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर नए हैं तो जल्दी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और आज अपने डाइट के साथ साथ हम लोग अपने बजीज का इंशाल्लाह प्रोग्रेस भी शेयर करने वाले हैं, तो बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। आप लोगों को देख के बहुत खुशी होगी बजीज की प्रोग्रेस भी, तो माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वीडियो को एंड तक नहीं देख रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखें, स्किप करके ना देखें, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी उसमें होती है। तो आज जो है हम लोग अपने फिंचेस को कैल्शियम पी देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कैल्शियम पी बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम है और बेहतरीन। हम लोगों ने मगरिब से ही जो है प्यारियाँ जो है खाली कर दी थी, यानी अब सुबह सुबह के टाइम अभी हो रहा है और हम फिंचेस को देंगे और वो प्यासी हो रही हैं और इंशाल्लाह उनको दे के उनको फटाफट वो पानी पी लेंगे, वो मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। और बहुत सारे भाइयों का सवाल आ रहा था कि आप फिंचेस जो ली हैं उनके प्राइस क्यों नहीं बता रहे। तो दोस्तों मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने म्यूटेशन वगैरह लिए तो लोगों ने बोला इसके प्राइस वगैरह बताएं। मैंने उनको यही बोला कि साथ भाई के नंबर ले लें, उनसे कांटेक्ट करें और उनसे बात कर लें। और उसके बाद फिर मैं जब उसमें 30 पेयर वाली कॉलोनी में उस दिन जब 5 पेयर मैं नए लेकर आया, उसके भी लोगों ने मुझसे प्राइस पूछे कि आप प्राइस बताएँ। तो वही प्राइस बताने की ना वजह ये होती है कि मार्केट ख़राब होती है। अभी मैं अगर आपको बोल दूँ, फ़िलहाल मैं 1000 रुपये के लिए आया, अंदाजन बता दूँ 1000 रुपये का मैं ले आया, कल को उसके रेट 2000 हो जाते हैं, कल फिर परसों कल को जब इसके बच्चे निकलते हैं मैं 2000 के बेचता हूँ तो लोग मुझे ये बोलेंगे आपने तो 1000 रुपये का लिया, अभी हमें तो आप 2000 रुपये का दे रहे हैं, तो आपने भी तो 1000 रुपये का लिया तो हमें भी 1000 रुपये का दें। तो इसकी वजह से जो है मैं जो है प्राइस नहीं बताता हूँ कि मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है। कल को अगर मार्केट इसकी अल्लाह ना करे 500 रुपये आ जाए और मैं आपको बोलूँ नहीं मैं तो 1000 रुपये में ही लिया था और 1000 रुपये में ही दूंगा, तो आप लोग लेंगे कभी भी नहीं लेंगे। आप भी बोलेंगे रेट तो इतने नीचे आ गए, हम पागल थोड़ी हैं कि 1000 रुपये का इसका लेंगे। तो अगर ऊपर जाती है तो लोग नहीं लेंगे, अगर नीचे आती है तो लोग जो है इस तरीके से बात कर सकते हैं। तो इसकी वजह से प्राइस नहीं बताए जाते, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ किसी चीज़ के प्राइस बता देता हूँ। जैसे कि स्नो वाइट मैंने ली थी, बहुत सारे लोगों ने इतने लोगों ने मैसेज किया स्नो वाइट के पेयर कितने का लिया, मैंने बता दिया, मैंने बोला भाई 1500 रुपये का एक पेयर लिया मैंने, सही है। और म्यूटेशन के बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, वो आप साथ भाई से खुद ही पूछ सकते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करें और उसके बाद जो है आप लोगों को जो भी पेयर लेना हो और इंशाल्लाह आप ले सकते हैं। और इंशाल्लाह हो सकता है हम लोग साथ भाई से अभी और पेयर भी परचेज़ करें कुछ, तो इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है। और अभी ये कि हम लोग कैल्शियम पी दे रहे हैं फिंचेस को, इनके सारे बीकर्स वगैरह दावर भाई देखे मेहनत करके बीकर्स वगैरह निकाल रहे हैं और उसके बाद जो हम लोग बोतल में कैल्शियम पी बनाएंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे और उसके बाद हम फिंचेस को देते हैं, अभी आप लोग दिखा देंगे। तो दोस्तों ये देखें ये कैल्शियम पी और हमारी एक जंबो की बोतल है जो कि अब ये 2 लीटर की हो गई है तकरीबन, क्योंकि हम लोग इसके अंदर सुबह के टाइम जो है गर्म पानी करके लेकर आते थे तो ये थोड़ी सी हीट की वजह से ना थोड़ी सी पचक गई है, आप देख सकते हैं। तो ये तकरीबन काफ़ी मोटी थी, आपको पता है कैसी होती है, ये ऊपर से देखिए क्या शेप हो गया इसका ना, तो हम 2 लीटर लगाएंगे। तो अब इसके अंदर हम कैल्शियम भी बनाएंगे और कैल्शियम पी के आपको फ़ायदे पता ही हैं, कैल्शियम पी बेहतरीन कैल्शियम है फिंचेस के बच्चों के लिए, क्योंकि उससे ये होता है कि पर फिंचेस के जो बच्चों के पर होते हैं वो बेहतरीन होते हैं, उनकी फिंचेस की उड़ान। ये देखिए 2 ढक्कन जो है डालेंगे इसके अंदर, ये 1 ढक्कन इसमें चला गया, ये 2 ढक्कन इसमें जाएगा, तो 2 ढक्कन इसमें डल चुके हैं। अब इसको हम शेक करेंगे और ये देखें इस तरीके से बैठ के आप इसको हिलाएं और सही तरीके से हिलाएं, और जब डाले भी दवा भी डालें तो इसको सही से हिलाइएगा ताकि इसके जो असल जो चीज़ जो नीचे बैठ जाती है पाउडर, देख रहे होंगे अब ये नीचे पाउडर बैठ रहा है, इसको सही से हिलाया तो खड़ा हो गया, तो भाई ये नीचे बिल्कुल जो है ना पाउडर ज़मीन पर चला जाएगा, तो इसको सही से हिलाएँ। क्योंकि देखिए कॉलोनी के अंदर आपको पता है हमारी पूरे रूम जितनी कॉलोनी है और उसके बाद जो है उसमें बच्चे जो हैं उड़ने में मसला भी हो सकता है, लेकिन ये हम लोग कैल्शियम वगैरह और विटामिन वगैरह चलाते हैं इससे ये होता है कि बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्पीड से कॉलोनी के अंदर पूरे उड़े होते हैं और किसी के पास भी जाएंगे तो ये शिकायत नहीं होगी
कि बच्चे जो है आपके ज़मीन से उड़ नहीं पा रहे, तो ये बेहतरीन चीज़ होती है। तो ये देखिए हम पीकर थोड़ा थोड़ा भरना है। ये कितने शौक से पी रही हैं ये देखें। अभी थोड़ा डर भी रही है, सारी एक साथ इसलिए नहीं होती रही कि हम लोग भी दोनों खड़े हुए हैं कॉलोनी के अंदर, तो थोड़ा डर भी रही है। यहाँ पे भी इंतज़ार हो रहा है कब मिले पानी तो हम लोग पिए। इंशाल्लाह हम अपनी ब्रीड अलग करने वाले हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे जो हम पूरे हफ्ते जो आपको जो है मैं वीडियो से बना के दिखा रहा हूँ ना, बेशक इससे व्यूज़ कम आ रहे हो आप लोग कम देख रहे हैं, लेकिन उसी वजह आप रिज़ल्ट मैं आपको दिखाऊंगा ना, तो फिर आप लोग पता चलेगा इसका फ़ायदा क्या होता है। तीनों मेडिटेशन के प्यार, इंशाल्लाह न्यू एंट्रीज भी जल्द होंगी, न्यू केस की भी एंट्री होगी इंशाल्लाह, और न्यू पेयर्स की भी इंशाल्लाह, मेडिटेशन पेयर्स की भी एंट्री होगी। दोस्तों ये देखिए 60 पेयर्स की कॉलोनी के अंदर भी हमने रख दिया और फिंचेस उतरना शुरू हो गई हैं। ये पीने के लिए आई हैं, तो दावर भाई जो है उधर बैठ के तोतों का पानी भर रहे हैं, उनको भी तोतों को भी कैल्शियम वगैरह देना है। और अभी मैं आपको इनकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी दिखाता हूँ साथ में, तो आपको समझ में तो आ गया होगा कि कैल्शियम पी के जो कमाल होता है। इसके बाद जब मैं पूरा ख़त्म होगा उसके बाद फिर मैं अपनी ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाऊँगा, फिर आप इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो अब मैं जो हूँ आप लोगों को ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाने वाला हूँ अपने तोतों की। तो दोस्तों ये तीन बच्चे जो हमारे पास निकले थे इस पेयर के, इस पेयर ने आपको याद होगा तीन बच्चे दिए थे, चार अंडे दिए थे, तीन बच्चे निकाले थे, और ये तीन बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ पर हो गए, बड़े हो गए, और मैंने अलग भी किए हैं। ये देखें ये तीन बच्चे हैं इंशाल्लाह वजीज़ के पट्ठों में, मेल फीमेल भी मैं आपको बता दूँगा कैसे पता चलता है। और अब मैं आपको प्रोग्रेस दिखाता हूँ इस पेयर के, दोबारा प्रोग्रेस क्या आई है। तो उम्मीद है आप लोगों का दिल खुश होगा। मेरा हाथ फंस गया। तो देखें दोस्तों माशाल्लाह ज़रूर बोलें, और ये देखें माशाल्लाह कितने बच्चे हैं आप लोग काउंट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने जो गिने थे ये अल्हम्दुलिल्लाह 7 बच्चे इसने माशाल्लाह दिए हैं, सेकंड क्लच है इसका, 7 बच्चे इसने माशाल्लाह माशाल्लाह दिए हुए हैं। मटकी की सफाई करनी है, पीछे गिटान से बंधी हुई है टाइट, तो बस इंशाल्लाह ये मैं 2-3 दिन में इनकी मटकी खोल के सारे बच्चे बाहर निकाल के इसकी सफाई करूँगा इंशाल्लाह। और ये देखें माशाल्लाह 7 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह पाल रही है माशाल्लाह, आपको ज़रूर बोलना है। ये इसका मेल है बैठे हुए। अच्छा अब हम यहाँ आते हैं। तो यहाँ एक पेयर था, इसने पहली बारी में अपने अंडे अनफर्टाइल कर लिए थे, 5 अंडे दिए थे, और ये काफ़ी गैप के साथ अंडे देता है। ये एक अंडे देने के बाद 3 दिन बाद ये दूसरा अंडा देता है, 3 दिन बाद फिर 2 दिन बाद एक अंडा देता है, इस तरीके से देता है ये प्यार। तो अब इसके अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे आ चुके हैं, इस बार इसने 6 अंडे दिए थे, पहले अंडे फर्टाइल कर लिए थे, दूसरे इसके ये देखे माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं मुझे नज़र नहीं आ रहे, यानी सारे एक साथ चिपके हुए, और इसके पीछे गिठान बंधी हुई है, ये भी खोलनी पड़ती है, खोलनी पड़ेगी अगर मैं इसे दिखाऊँ तो। मेरे ख्याल से ये 1, 2, 3, 4, 5 बच्चे हैं तकरीबन, मेरे अंदाज़े से ये 5 बच्चे लग रहे हैं। तो आप लोग बताएं ये कितने बच्चे हैं। अच्छा तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने एग्जीबिशन की तरफ। तो इस मेल ने काफ़ी अच्छा और साइज़ कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और भी मोल्ड पर है, मोल्ड पर है इंशाल्लाह, ये अपने और अच्छे बाल करेगा इंशाल्लाह, इसके जो सर के ऊपर के बाल हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो और अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसने अंडे दिए थे सही है, इसने अंडे बच्चे निकलने वाले थे बिल्कुल, और डेड इन शेल होगा इसके अंडे। ये इसके साथ रेड है, इसकी किंग की मादी लगी हुई है, अच्छी साइज़ की, बहुत अच्छे साइज़ की मादी लगी हुई है। अच्छा इस पेयर की तरफ आते हैं, ये पेयर बड़ी मुश्किल से सेट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये देखिए इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, और इसकी फ़ीमेल अंदर है रेड आइज़ में है, लेकिन इसका जो दरवाज़ा है इस बॉक्स का वो पीछे के साइड पर है, और तो मुश्किल है मैं आपको दिखा पाऊँ, लेकिन यहाँ से मैं आपको कोशिश करता हूँ। वो देखिए मादी बैठी हुई है,
अंडे उसने नहीं दिए अभी तक, लेकिन इंशाल्लाह वो जल्द इंशाल्लाह अंडे दे देगी, उम्मीद तो यही है। यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा होगो रोमो अल्हम्दुलिल्लाह मेल वो अब बड़ा हो गया तकरीबन, और अब इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ हम इसको फीमेल ला के दे रहे हैं। इसने साइज़ वाइज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ा कर लिया है, और फ्लावर्स भी इसके अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हो गए हैं आप देख सकते हैं, और रेड आइज लुटिनो में ये होगो रोमो है, और इंशाल्लाह इसके लिए फ़ीमेल जब लाएंगे आपको दिखा देंगे। ये हमारा टी सी बी का पेयर आ जाता है, इसका साइज़ भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा साइज़ में ये देखें, ये बिल्कुल भी डरता नहीं है, और ये तकरीबन समझ लें हाथ भी तकरीबन आने लगता है, ये रिंग डला हुआ इसका रिंग आप देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छा साइज़ है, और इसके भी माशाल्लाह बच्चे आ गए हैं, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा आप लोग। तो उसकी फ़ीमेल बाहर आ गई है, ये देखें माशाल्लाह चार बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इसके आ चुके हैं, टी सी बी के ये बच्चे हैं, चार अंडे दिए, छः अंडे दिए थे, दो अनफर्टाइल हो गए और चार में से बच्चे आ गए। इसकी फ़ीमेल दोबारा अंदर चली गई है, फर्स्ट ब्रीड है, सबकी फर्स्ट ब्रीड है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बजीज की प्रोग्रेस भी अच्छी लगी होगी, और यहाँ पे थोड़ा सा नज़ारा देख रहे हैं आप लोग माशाल्लाह। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, वीडियो प्लीज़ पूरी देखा करें, और बजीज की प्रोग्रेस आप बताएं कैसी लगी है, और कैल्शियम पी आज हमने दे दिया, कैल्शियम पी का दिन था और हम कैल्शियम पी देते हैं। अब आप लोग को पता चल गया होगा मंडे वाले दिन हमने एग ब्रेड फूड दिया, ट्यूजडे वाले दिन हमने ग्रीन फूड दिया, और वेनसडे वाले दिन हम लोगों ने कैल्शियम पी दिया, और अब इंशाल्लाह थर्सडे वाले दिन आपको बताएंगे कि हम क्या देंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक अपना ख्याल रखें, फिर अल्लाह हाफिज़।